मस्जिद अक्सा अमरनगर MITC हिंगना नागपुर के मौलाना जी हाफिज अखलाक मुजावर इनकी ओर से सभी शहरवासियों को ईद उल फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ईद आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लाए, ऐसी भी कामना करते हैं। आने वाले ईद के बारे में हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमारे मस्जिद अक्सा अमरनगर से तमाम लोगों को मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये हमारा ईद जो है ईद का पैगाम देता है, यानी मोहब्बत का पैगाम देता है, अख़ुवत का पैगाम देता है। और दूसरी बात, जो लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे इस्लाम में सब ये कहा गया है कि कोई भी रहे सबसे अच्छाई से पेश आओ, सबसे बेहतर से पेश आओ, सबसे मोहब्बत से पेश आओ। और हम भी यही जानते हैं कि अगर मोहब्बत से हम लोग सबसे पेश आएंगे तो यकीनन चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तो हम ये जानते हैं कि जितनी मोहब्बत से मेल से हम लोग रहेंगे, जितनी ईमानदारी से रहेंगे, उतनी ही हमारे देश की मजबूती होगी और उतनी ही हमारे देश की जो है तरक्की होगी। बस हम यही कहना चाहते हैं और सबको भी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाई अपने रोज़ी रोटी को चमकाने के हिसाब से हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा देते हैं, ये गलत फहमी है। और लोगों को ख़ुद ये समझना चाहिए कि उनके अंदर जो भी गलत फहमी डाली जाती है वो अपने दिमाग से उनको सोचना चाहिए। और आखिरी मेरा कहना ये है कि अपने को किसी की नहीं सुनना है, सिर्फ ये अपने को करना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में लेकर के चलना है। और जितनी अख़ुवत और मोहब्बत से हम लोग रहेंगे, इतना हमें मालूम है कि जितनी मोहब्बत से हम रहेंगे उतनी अच्छी तरीके से हमारे देश की मजबूती होगी, हमारी मजबूती होगी और हमारी दुनिया में एक ताकत रहेगी। और तमामी आवाम को, हमारे हिंदुस्तान के तमामी लोगों से सबको मैं ईद मुबारक पेश करता हूँ।